नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी के कमेंट के आंसर देने वाला हूँ, कुछ भी जो इस वीडियो से रिलेटेड है। तो देखिए, प्रीवियस ईयर रिजल्ट नॉट क्लियर्ड, नो पेपर लिस्ट एंड नो रिजल्ट फाउंड, हाउ टू फिक्स, मतलब कि आप सबकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। रिजल्ट डाउनलोड कैसे करें इस पे आपको पता ही है कि आप साइट पे जाएंगे न्यू स्टूडेंट पोर्टल पे, वहाँ से लॉगिन करके आप रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोडिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अभी आप डाउनलोड रिजल्ट जो है नहीं देख सकते, क्योंकि जब साइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तब आप नहीं देख सकते अपना रिजल्ट, और इसके काफ़ी ज़्यादा ग्लिच हो जाते हैं। पहला देख सकते हैं आप यहाँ पे, किसी बच्चों के ये लिख क्या रहा है, प्रीवियस ईयर रिजल्ट नॉट क्लियर। मैं आपको बता दूँ, कुछ बच्चों के ये रियल भी हो सकता है और कुछ के फेक भी, मतलब जिनके प्रीवियस ईयर का रिजल्ट, मतलब सप्लिया कंपार्टमेंट जिनके भी थी, उन लोगों का रिजल्ट क्लियर नहीं है। उनके तो ऑलरेडी नहीं आएगा रिजल्ट, क्योंकि जब सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं हो सकता क्लियर, तो आगे का कैसे होगा, ठीक है। और जिनके मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो कि टॉपर स्टूडेंट है, जिनका रिजल्ट कभी एक बार भी सप्ली में नहीं गया, उन लोगों के भी ये लिख के आ रहा है। अभी मैंने जस्ट नाउ एक ऐसी ही आईडी ओपन की थी जिसमें उनके कोई भी रिजल्ट, प्रीवियस ईयर रिजल्ट जो है बिल्कुल ख़राब नहीं था, मतलब सब में वो पास थे, तो उनके भी ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उनका रिजल्ट आएगा, लेकिन ये साइट की वजह से एरर आ रहा है, तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए, आप लोगों ने कमेंट भी ऐसे ही किए थे, देखिए प्रीवियस ईयर रिजल्ट नॉट क्लियर्ड, यहाँ पे तो इनके कंपार्टमेंट थी तो इसलिए इनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन शायद आ सकता है आपका रिजल्ट अगर आप कुछ टाइम बाद ट्राई करें तो, इसमें आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आप अभी से कन्फर्म कर सकते हो आपका रिजल्ट। दूसरा जो कमेंट आया था यहाँ पे कि ग्रैंड टोटल और सीजीपीए नॉट एंड जनरेटेड, तो यहाँ पे क्या है कि इनका जो रिजल्ट में या तो एक दो सब्जेक्ट में किसी में मार्क्स एंटर नहीं हुए होंगे या प्रैक्टिकल के नहीं हुए होंगे, तभी टोटल ग्रैंड टोटल नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इनका रिजल्ट आया है, तो इनको एक बारी और एक बारी डाउनलोड करने की ज़रूरत है। बाकी एक और कमेंट बता देता हूँ मैं आपको यहाँ HPU जाने के बारे में, तो ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले बताता हूँ कि जो आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसको देख कह सकते हैं, आप अपने कॉलेज में बात कीजिए, अभी कॉलेज ओपन होते हैं तो कॉलेज में आप स्टाफ से जो ऑफिस होता है वहाँ से आप अपना जो पूरी रिपोर्ट ले सकते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या है, उनके पास अगर डाउनलोड हो गया होगा तो आपको PDF भेज देंगे, उसमें पूरे बच्चों का जितने भी कॉलेज में, मान लीजिए अभी BA फाइनल का आया तो उनके पास BA फाइनल की पूरी PDF होती है, ठीक है। वहाँ से आप रिजल्ट डाउनलोड करें, उसमें आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करें कि आपका रिजल्ट कैसा है, चाहे आपके उसमें CGPA जनरेटेड नहीं है या फिर आपका टोटल मार्क्स जनरेटेड नहीं है, तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर उसमें है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। लेकिन अगर आपको अभी भी डर है कि जैसे कंपार्टमेंट की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो अभी वेट कीजिए, जब ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा थोड़े टाइम पे, तो उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो आपको HPU जाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपके प्रीवियस ईयर रिजल्ट, मतलब आपके पहले सारे ईयर बिल्कुल क्लियर है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, आपको सीधा HPU जाना है। और HPU में भी छुट्टी तभी होती है जब कोई गवर्नमेंट की तरफ से हॉलीडे होता है या फिर संडे की होती है, तभी छुट्टी होती है, अदरवाइज़ स्टाफ तो नॉन टेक्निकल जो स्टाफ होता है, जो साथ में और टेक्निकल स्टाफ भी है, वो तो आता ही है, बस टीचर्स को ही छुट्टी होती है जो ऐसे नॉर्मल छुट्टीज की जाती है, ठीक है। तो आप कभी भी HPU जा सकते हैं, अगर आपको ऐसा है कि काफ़ी दूर दराज इलाके से है, तो आप क्या कीजिए कि HPU पहले कंफर्म कर लीजिए कि इस दिन ओपन रहेगा या नहीं, तो आप जा सकते हैं HPU में और वहाँ पर अपनी जो क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें HPU से ही सॉल्व होगी। आप कॉलेज में भी इसका कुछ नहीं बोल सकते, कॉलेज में आप तब जा सकते हैं अगर आपका जो यहाँ पे मार्क्स एंटर नहीं हो, प्रैक्टिकल के मार्क्स अगर आपके नहीं लगे हो, तो आप कॉलेज को बोल सकते हो। लेकिन अगर आपका इस तरह की कोई और प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट HPU जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और भी एरर आ रहे हैं, देखिए नो रिजल्ट फाउंड, ये तो सर्वर एरर था इनका साइट की वजह से, जब बहुत ज़्यादा ये या तो रिजल्ट अपडेट करते हैं या फिर जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो रिजल्ट नॉट फाउंड आ जाता है लिख के, और आपके सारे रिजल्ट गायब हो जाते हैं। नो पेपर लिस्ट भी तभी आता है, और प्रीवियस ईयर रिजल्ट नॉट क्लियर का मैंने आपको बता दिया है, जिनके पहल के क्लियर थे उनको निश्चिंत रहना है, और जिनके नहीं थे उनको कंपार्टमेंट के जो रिजल्ट है उसका वेट करना है, अगर वो आ जाता है उसमें क्लियर हो जाते तो आपका ये भी क्लियर दिखाई देगा, अगर ऐसा फिर भी नहीं होता तो फिर आपको HPU जाना पड़ सकता है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि मेरा रिजल्ट सही ही है, मैंने पेपर अच्छे दिए थे और पिछले भी मेरे क्लियर है, तो आप जाके एक बारी एक वीडियो चेक कर सकते हो कि आप रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं, क्या पता आपके फ़ोन में थोड़ा बहुत
प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे HP की साइट में ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज़ बाकी तरीके मैंने आप सभी को बता ही दिए हैं। अभी मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनको अपनी ID पासवर्ड नहीं मालूम है तो वो फॉरगेट कर सकते हैं, उसके लिए मैंने 3-4 तरीके बता रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।